हेलो फ्रेंड्स, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से एक नया और इम्पोर्टेंट अपडेट आ गया है। और यह जो अपडेट है वह मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी को लेकर के है। और नोटिस में जो है स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट एंड ट्रांसलेशन टेस्ट के लिए है। तो यानी कि जो भी कैंडिडेट्स मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी में सिलेक्टेड हुए हैं उनको अब स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट के लिए और ट्रांसलेशन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो इसी को लेकर के यह नोटिस है। तो इस नोटिस को पूरी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को भी दबा के रखें ताकि सबसे पहले वीडियो के अपडेट्स आपको मिल जाए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला अपडेट वो क्या है, द रिजल्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट ट्रांसलेशन टेस्ट एंड टीचिंग स्किल टेस्ट परफॉर्मेंस टेस्ट हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। तो यह डिक्लेयर हो गया है स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट के लिए, ट्रांसलेशन टेस्ट के लिए, टीचिंग स्किल टेस्ट के लिए और परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए। इसके बाद में जो है दूसरा अपडेट वो स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट फॉर कैटेगरी नंबर 1 और 2 एंड ट्रांसलेशन कैटेगरी फॉर कैटेगरी नंबर 3 विल बी हेल्ड फ्रॉम 27/10/2021 ऑनवर्ड्स। मतलब 27/10 से आगे के तारीख में ये जो है कैटेगरी नंबर 1, 2 और 3 जो है वह 27 अक्टूबर के बाद का आगे तक चलते रहेगा इसका टेस्ट। इसके बाद में जो है अगला अपडेट, द लिंक फॉर एग्जाम सिटी डेट शिफ्ट इन्फॉर्मेशन विल बी मेड लाइव 10 डेज प्रायर टू एक्चुअल डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ऑल आरआरबी। तो इसमें यह जो कहा गया है कि एग्जाम सिटी के लिए जो लिंक है जो शिफ्ट रहेगा उसके हिसाब से 10 दिन पहले एक्चुअल डेट जो रहेगा एग्जाम का उससे 10 दिन पहले वो तैयार हो जाएगा, ये भी बताया जा रहा है। उसके लिए आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा द लिंक। चौथा अपडेट है, द लिंक फॉर ई कॉल लेटर विल बी मेड लाइव 4 डेज प्रायर ऑफ एक्चुअल डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ऑल आरआरबी। तो ऑल आरआरबी में जो एक्चुअल डेट रहेगा एग्जाम का उससे 4 दिन पहले आपको ई कॉल लेटर भी मिल जाएगा, यह भी इसमें कहा गया है। साथ ही साथ अगला अपडेट में है, द डेट्स ऑफ टीचिंग स्किल टेस्ट एंड परफॉर्मेंस टेस्ट फॉर कैटेगरी नंबर 13-29 विल बी एडवर्टाइज लेटर। तो इसमें जो है टीचिंग स्किल टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट जो है कैटेगरी नंबर 13 से लेकर 29 उसके लिए जो है वो डेट आगे आप लोगों को बता दिया जाएगा, यह भी कहा गया है इसी में। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 नंबर का जो अपडेट है, द कैंडिडेट्स विल बी शेड्यूल फॉर दिस टेस्ट विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ देयर अप्लाइड आरआरबी। तो इसमें जो है जिस आरआरबी में वे लोग जितने भी कैंडिडेट्स हैं वे अप्लाई किए हैं उसी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर में ही यह शेड्यूल किया जाएगा इस टेस्ट के बारे में, यह भी कहा जा रहा है। अगला है, द एग्जाम विल बी हेल्ड बाय ऑब्जर्विंग ऑल इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस रिलेटेड टू कोविड-19। तो इसमें जो भी कैंडिडेट्स हैं वे लोग कोविड-19 का जो भी रूल रेगुलेशन है इंस्ट्रक्शन है गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया जाएगा, उनको समझना है, ये चीज़ को यहाँ पे कहा जा रहा है। साथ साथ अगला अपडेट जो है, फॉर फर्दर डिटेल्स एंड अपडेट्स द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट रेलवे आरआरबीज मतलब रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। तो यहाँ पे जो है जितना भी अपडेट के लिए है उसको अपने आरआरबी बोर्ड में विजिट करते रहना, यह भी कहा गया है। साथ ही साथ यहाँ पे बीवर ऑफ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बीवर ऑफ टाउट्स हु ट्राई टू मिसगाइडिंग कैंडिडेट्स विद फेक प्रोमिसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ फॉर जॉब्स ऑन इलीगल कंसिडरेशन आरआरबी रिक्वायरमेंट बोर्ड रिक्वायरमेंट्स आर बेस्ड ओनली ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट्स। इसमें जो है कि आप लोगों को दलालों से बचकर रहना है, ये भी यहाँ पर कहा जा रहा है। तो आपको इतनी सारी जानकारी को ध्यान रखना है। तो यह जो अपडेट है वह आपका देख रहे हैं 8/10/2021 को, यानी कि आज ही की तारीख में यह जारी हो गया 8 अक्टूबर में चेयरपर्सन रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की ओर से यह इंपॉर्टेंट नोटिस है। तो यह काफ़ी ज़्यादा अच्छा नोटिस है और इसमें जो भी कैंडिडेट्स पास किए हैं मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी के लिए वे अब इस स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट और ट्रांसलेशन टेस्ट के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि उनके लिए जो डेट है वह आपको 27/10 यानी कि 27 अक्टूबर के आगे में हो जाएगा।